वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो है विंडो एसी है और ये 1.5 टन का एसी है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये एसी जो है ना कूलिंग नहीं करता है। अब ये कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? और इसमें जो गैस है वो देखिए, यहाँ पे R32 गैस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? तो इसमें जो कूलिंग आ रहा है ना वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। और इसमें चलिए इस कवर को पहले खोलते हैं। कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है, पहले इसके कवर को खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कवर खुल गया और ये फिल्टर हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पूरा आइस आ रहा है पाइप में, ठीक है। इसमें भी आइस आ रहा है, इसमें भी आइस आ रहा है और इसमें भी आइस आ रहा है। इतना जो अगर आइस आता है अगर कूलिंग कॉयल में, तो आपका जो है ना गैस लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पूरा जो है आइस आ रहा है। अगर ये आइस बाद में मेल्ट हो जाता है पूरी तरीके से, तो समझो कि गैस का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि बीच में कंप्रेसर बंद होना या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आइस जो है पूरा कॉयल तक आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो है गैस लीक है। अब कूलिंग कॉयल में है या हीटिंग कॉयल में है वो चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एसी को बंद करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। और अभी जो है इसके कवर को हम लोग खोल लेते हैं। कवर को हम लोगों ने खोल लिया है। अब ये एसी जो है यहाँ पे तो बनेगा नहीं, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसमें प्रेशर डालेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि लीकेज कहाँ पे है। चलिए इसको ले लेते हैं बाहर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने एसी यहाँ पे निकाल लिया है और ये देखिए बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग प्रेशर डालेंगे। देखिए, इसमें एक बार और लीकेज हुआ था पहले, और यहाँ पे देखिए एनआरवी वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। एनआरवी वाल्व तभी लगा होता है जब इसमें गैस चार्जिंग होती है, तो एनआरवी वाल्व लगा हुआ है और इसमें एक बार पहले लीकेज हुआ था। अब ये बार बार जो है लीकेज क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे जो है ना, ये बाजू में जो है समुन्दर एरिया है, तो उसका जो है खारा पानी रहता है। तो झाड़ी एरिया में जितने भी एसी साइड में लगे होते हैं ना, अक्सर करके लीकेज होता है, क्योंकि उसका पानी जो है वो खारा होता है, तो हवा के साथ में वो रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लीकेज बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको पहले कवर को खोल लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रेशर डालते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने कवर हटा लिया है, ठीक है। यहाँ पे कवर रख दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कूल लीकेज तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कूलिंग कॉयल में लीकेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक तो प्रेशर डाला भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चला कि कूलिंग कॉइल में लीकेज हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, जब हम अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो पानी दिख रहा है उसमें जो है ऑयल मिक्स है, ठीक है। ऑयल हमको दिख रहा है, तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि कूलिंग कॉइल में हमारे लीकेज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऑयल दिख रहा है अंदर साइड में, तो ऑयल तभी आया होगा जब कूलिंग कॉइल से लीकेज हुआ होगा, ठीक है। और अभी आपको अगर कूलिंग कॉइल बाहर निकालना हो, तो आप जो है पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसको खोलेंगे तब कूलिंग कॉइल जो है हम बाहर साइड में ले सकते हैं, थोड़ा बाहर ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, कि हमको लीकेज दिख जाए कि लीकेज कहाँ पे है, ठीक है। चलिए इस स्क्रू को पहले खोल लेते हैं हम लोग। देखिए, पूरा स्क्रू जो है हमारा खुल चुका है, ठीक है। अभी देखिए, ये कॉइल जो है ये हिलने लगा है, ठीक है। अब आगे भी उस साइड में भी एक स्क्रू है, उसको भी खोल लेते हैं, तो थोड़ा कॉयल हमारा बाहर आ सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है स्क्रू लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है और एक स्क्रू जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी खोलने के बाद जो है हमारा कॉयल बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमारा जो है कॉयल खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पीछे साइड में, इस साइड में जो है आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस कॉयल में ऐसा लग रहा है कि लीकेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑयलिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये दो जगह पे डाउट आ रहा है कि यहाँ पर जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑयलिंग है और इसमें थोड़ा ऑयलिंग है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा लिया है और यहाँ पे
गेज लगा लिया, ठीक है। अभी इसमें जो प्रेशर दिखा रहा है वो 250 का दिखा रहा है, ठीक है। इसमें गैस नहीं है, कम है, ये प्रेशर है जो थोड़ा बहुत इसमें गैस है उसका दिखा रहा है, क्योंकि R32 गैस है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद ये चार्जिंग लाइन से प्रेशर डालेंगे इस कॉम्प्रेसर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद प्रेशर डालने के बाद फिर हम लोग लीक टेस्टिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोगों ने प्रेशर भी नहीं डाला है, ठीक है। जो इसमें प्रेशर था 250 PSI, ठीक है, R32 गैस है, इसका गैस आधा निकल चुका है और आधा है, ठीक है। जो इसमें प्रेशर है उसी पे हम लोगों ने लीकेज चेक किया, जैसे हमको कहीं पे डाउट था, जैसे मैंने कि बताया कॉयल में डाउट है तो हो सकता है कि यहाँ पे लीकेज हो, ठीक है। तो जैसा कि हमको डाउट था तो वहां पे हम लोगों ने चेकिंग किया, आइए हम आपको दिखाते हैं। उसी प्रेशर पे यहाँ पे लीकेज दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन हल्का दिखा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है ये सेकंड जो कॉयल है इस पर हो सकता है, ठीक है, ये मैंने बताया था, इस पर और एक इस पर, ठीक है, ये दो कॉयल पे जो है मुझे डाउट था। लेकिन अभी उसी प्रेशर में, अभी हम लोगों ने प्रेशर भी नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे लीकेज जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है दिखा रहा है, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी पानी का झाग डालेंगे, यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे इसीलिए लगाया हुआ ताकि यहाँ से पानी डालेंगे तो वो बकेट में ही जाए, कहीं बाहर ना जाए। यहाँ पे दिखाते हैं आपको लीकेज, देखिए नीचे के साइड में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है, तो वहां पर जो है लीकेज है, और एकदम नीचे साइड में, तो एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा झाग डालता हूँ, ये देखिए दिखा आपको लीकेज, ठीक है। तो हमें जो है पहले से ही अंदाजा था कि कॉयल में लीकेज हो सकता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉयल में, इसलिए मैंने बताया कि पानी में जो है, जो उसका कॉयल का पानी जाता है उसमें जो है ऑयल मिक्स है, इसका मतलब कि कूलिंग कॉयल में जो है लीकेज हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने प्रेशर भी नहीं डाला है, फिर भी हमारा लीकेज यहाँ पे मिल गया, ठीक है। लेकिन प्रेशर हम लोग डालेंगे, क्योंकि ये जो है लीकेज जो बताया है वो जो है उसी गैस में बताया है, इसको बंद करेंगे और फिर प्रेशर थोड़ा ज्यादा डालेंगे और सारे कॉयल पे चेकिंग करेंगे, सारे जितने भी कॉयल है सारे कॉयल पे चेकिंग करेंगे कि और कहीं पे लीकेज तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है प्रेशर उसका उड़ा देते हैं, और उड़ाने के बाद इसको जो है ब्रीजिंग कर दें, ब्रीजिंग करने के बाद फिर प्रेशर डालेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग इसका प्रेशर उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर उड़ाने के बाद फिर उसमें हम लोग ब्रीजिंग करेंगे, और ब्रीजिंग करने के बाद फिर से हम लोग प्रेशर डालेंगे और देखेंगे कि लीकेज बंद हुआ या नहीं हुआ। अभी प्रेशर को उड़ा देते हैं पहले। तो गाइस अभी जो हमारा लीकेज था, आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले कॉयल में जो है लीकेज था, ठीक है, और ये जो है नीचे के हिस्से में लीकेज था, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग ब्रीजिंग करते हैं, और ब्रीजिंग करके इसको पहले बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पूरा धुआं भी निकल रहा है, ठीक है, जो हमारा ऑयल निकला हुआ था वो पूरा जो है जल के बाहर निकल जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद इसको ब्रीजिंग कर देंगे। तो यहाँ पर अभी जो है ब्रीजिंग हमारा हो चुका है, ठीक है। चलिए वापस इसमें प्रेशर डालते हैं और देखते हैं इस यहाँ पे लीकेज है या नहीं। गाइस अभी हम लोग इसमें प्रेशर डालेंगे, और यहाँ पे देखिए चार्जिंग लाइन हमने यहाँ पे लगा लिया है, और गेज हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और एक जो चार्जिंग लाइन का हिस्सा है वो हमने कॉम्प्रेसर में लगाया है, ठीक है। अब ये कॉम्प्रेसर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इसमें कम से कम 350 प्रेशर डालेंगे। 350 प्रेशर डालने के बाद फिर हम लोग लीक टेस्टिंग करेंगे कि जहाँ पे हमने ब्रीजिंग किया है वहाँ पे लीकेज है या बंद हो चुका है, ठीक है। तो चलिए प्रेशर को पहले डालते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमारा कॉम्प्रेसर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है हमारा 50 PSI तक जा चुका है, और जैसे ही 350 प्रेशर हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा 350 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम कॉम्प्रेसर को जो है बंद कर देंगे, ठीक है, पहले हम वाल्व को बंद कर देंगे। इसके बाद कॉम्प्रेसर को हम लोग बंद कर देंगे, देखिए अभी जो है कॉम्प्रेसर बंद हो गया, ठीक है।
और 350 से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो चलिए अब लीक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने जो ब्रीजिंग किया है वो यहाँ पे किया है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है, अभी तो हमारा प्रेशर हो चुका है 350, तो यहाँ पे जो है हम लोग स्पंज से सर्फ पानी का झाग डालते हैं और देखते हैं। ठीक है, पूरा झाग नहीं डालना है, आप पानी भी डालेंगे ना सर्फ पानी का, तो माइनरी जो लीक रहता है वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने ब्रीजिंग किया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। नीचे साइड में भी नहीं है। ठीक है, अभी जो है कहीं पर भी लीकेज जो है हमारा नहीं दिखा रहा गाइस। ठीक है, उस साइड में तो हम लोगों ने चेकिंग कर लिया है। ठीक है, उधर लीकेज तो नहीं है, जहाँ पे हम लोगों ने लीक जो है बंद किया था वहां पे लीकेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस साइड में कहीं पे लीकेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड में भी कहीं पर भी लीकेज नहीं दिखा रहा गाइस। ठीक है, इस साइड में भी कहीं पर भी लीकेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा कहीं पर भी लीकेज नहीं है। तो इस मशीन में जो है एक ही लीकेज था और वो लीकेज जो है बन गया है। फिर भी हम लोग थोड़ा प्रेशर होल्ड करेंगे और आधा घंटा कम से कम होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद फिर ये पूरा कॉयल जो है जिस तरीके से हमने खोला उसी तरीके से पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करके वैक्यूम करके फिर हम लोग गैस चार्जिंग कर देंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी जो हमारा ये कूलिंग कॉयल है ये जो है पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है और हमारा कहीं पे भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस कॉयल के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक पेंट लेके आया है, स्प्रे पेंट है ये। ठीक है, इसमें जो जंग लगा होता है या जो रस लगा होता है, ठीक है, और जो कार्बन लगे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ज्यादातर कॉयल में लीकेज होता है। ठीक है, और ये जो पेंटिंग करते हैं ये कॉयल के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, कॉयल में जल्दी लीकेज ना हो इसके लिए जो है ये पेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा लीकेज पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेंटिंग के मदद से, इस स्प्रे पेंट के मदद से ये कॉयल को जो है हम लोग कलर कर देंगे। ठीक है, जब कलर कर देंगे तो जल्दी ये कॉयल लीकेज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जो है इसको करके देखते हैं। हमें जो है जो स्प्रे पेंट करना है वो इस साइड में भी करना है और उस साइड में भी करना है, और जितना भी है कंडेंसर कॉयल में, यहाँ पे देखिये यहाँ पे भी कॉयल है, इधर भी कर देना है, और जहां जहां पे जो है यू बैंड बना हुआ है कॉयल में वहां पे हम स्प्रे पेंट कर देंगे ताकि जो है जल्दी हमारा एसी लीकेज ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग स्प्रे पेंट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी यहां पर जो है पूरा व्हाइट पेंटिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहां पर भी, ठीक है, कंडेंसर में भी, और जिस साइड में लीकेज था यहाँ पर, इधर भी जो है पूरा पेंटिंग हो चुका है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो सारे जगह पे पेंटिंग हो चुका है। अब ये जो लीकेज जो हमने बनाया है ये लीकेज काफी टाइम तक चलेगा, जल्दी लीक नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग कॉयल को पूरी तरीके से जैसे उसमें था उसी तरीके से फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद उसके बाद उसमें वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग इसका प्रेशर जो है उड़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो है प्रेशर बराबर है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए वैक्यूम पंप रखा हुआ है, इससे जो है वैक्यूम लगाएंगे, कम से कम आधा घंटा वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम करने के बाद फिर इसमें हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी जो है हमारा पूरा प्रेशर उड़ चुका है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने वैक्यूम लगा दिया और यहाँ पे देखिए वैक्यूम पे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कांटा जो है जीरो से माइनस हो रहा है। ठीक है, वैक्यूम हमारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैक्यूम हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर निकल रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एयर होगा, जो इस पाइप के अंदर एयर होगा या जितने भी सिस्टम में एयर होगा, वो पूरा जो है खींच के और वैक्यूम करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, और जब पूरी तरीके से वैक्यूम हो जाएगा तो फिर इसमें हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। तो चलिए थोड़ा वैक्यूम हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग गैस डालेंगे। ठीक है, गैस जो है इसमें R32 गैस है, और इसका जो रनिंग PSI है वो 120-115 के आसपास रहता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
जीरो के नीचे माइनस में आ चुका है और यहाँ पे वैक्यूम पंप में भी कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद करेंगे और यहाँ से पहले लॉक कर लेते हैं, यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ठीक है ये हमारा लॉक हो चुका है। अब हम वैक्यूम पंप को यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है अभी हमारा बंद हो चुका है। ठीक है अब यहाँ से चार्जिंग लाइन खोल करके और गैस का बाटला जो है हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए गैस का बाटला है, ठीक है और यहाँ पे, और इसमें जो गैस है वो R32 गैस है, ठीक है तो थोड़ा सा जो हम लोग लिक्विड चार्ज करेंगे उसके बाद जो है हम लोग वेपर में डालेंगे। लिक्विड जो है इतना चार्ज कर देंगे कि कम से कम 500 ग्राम चले जाए, ठीक है। इसके वाल को पहले खोल लेते हैं, ठीक है और यहां से जो है थोड़ा प्रेशर उड़ा देते हैं, अब ये जो है बाटला हम लोग पलटी कर देंगे, ठीक है ओके यहां पे देख सकते हो और यहां से ये देखिए, यहां पे देखिए गैस जा रहा है, आवाज भी कर रहा है, ठीक है तो अभी जो है लिक्विड जा रहा है, ये भी जाने दो, लिक्विड कम से कम 500 ग्राम तक डाल देंगे और इसमें जो लिखा हुआ है वो 600 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी बाटले को हम लोगों ने सीधा कर लिया और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लॉक कर दिया, ठीक है यहाँ से हम लोगों ने लॉक कर दिया। अब लिक्विड डालने के बाद कभी भी अगर आप एसी को चालू करते हैं तो कम से कम 3-4 मिनट रुक के ही चालू करें ताकि जो है गैस जो है हर जगह प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, और 2-3 मिनट रुक के चालू करें, उसके बाद जब चालू होगा तो हमारा प्रॉपर गैस इसमें बताएगा कि इसमें गैस जो है कितना है, ठीक है तो जो भी कम रहेगा उसके बाद जो है बाटले से गैस डाल देंगे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा एसी ऑन हो चुका है, ठीक है यहाँ पे देखिए फैन चल रहा है और हमारा कॉम्प्रेसर भी ऑन हो चुका है, ठीक है तो यहाँ पे देखिए अभी इसमें प्रेशर कितना है, गैस जो है इसमें अभी 50+ है, ठीक है और रनिंग PSI इसमें जो होना चाहिए वो 120 तक कम से कम होना चाहिए, 115-120 तक होना चाहिए, ठीक है तो अभी जो है इसमें 50 दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए इसमें पूरा आइस आ रहा है, ठीक है ये देखिए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके बाद फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी जो है प्रेशर कितना है, ठीक है और ये जो है प्रेशर अभी कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो है अभी गैस उसमें जो है पूरा नहीं है, ठीक है जो भी कम है इसमें थोड़ा सा और जो है डाल देते हैं, ये देखिए और यहाँ पर देखिए गैस जो है वो पूरा जो आइस था वो पूरा मेल्ट हो रहा है, ठीक है पूरा मेल्ट हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा बंद कर देंगे, ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा पहले वाला गैस था वो जो है वो खराब हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा फेल हो चुका है, ठीक है इसको हम लोग रखते हैं साइड में और ये हम लोग अभी दूसरा गैस लगाए हैं। गाइस यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा गैस है वो 75 के ऊपर गया है, ठीक है तो अभी जो है इसमें थोड़ा और कम गैस है तो इसको और हम लोग थोड़ा डाल देंगे, गाइज यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है 90 कम से कम जो है 90 गैस गया है और अभी 100 नहीं हुआ इसमें, ठीक है तो थोड़ा और गैस हम लोग यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये देखिए ठीक है अभी भी 100 नहीं हुआ है, थोड़ा इसको बंद कर दें क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाटला ये जो है ये ठंडा हो चुका है, बाटला ठंडा हो चुका है, ठीक है इसकी वजह से गैस हमारा नहीं जा रहा है, थोड़ा जो है हम इसको बाटले को थोड़ा गर्म पानी में रख देंगे और गर्म पानी में रखने के बाद फिर शायद हमारा गैस जाएगा। तो गैस यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा 100 PSI लगभग हो चुका है, ठीक है 100 से ज़्यादा ही है, 105 PSI है
थोड़ा सा और हम लोग गैस को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए बाटला जो है ठंडा हो गया था, तो हम लोगों ने गर्म पानी में डाल के रखा है ताकि जो है वो जल्दी वेपर बने और जल्दी गैस चार्जिंग हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी देखिए कितने स्पीड में जा रहा है, पहले ये स्पीड में नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो गैस दिखा रहा है इसमें जो है 110 PSI लगभग हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और कम है, इसको थोड़ा एक बार और खोल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और जो है कम से कम 120 या 115 PSI तक कम से कम होना चाहिए, तो उतना हम लोग कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा पूरा गैस चार्जिंग हो चुका है, और देखिए बाटले को हम लोग बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले गैस दिखाता हूँ। यहाँ पर गैस जो है वो 115 से 20 PSI तक हो चुका है गाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए सेक्शन लाइन में रिटर्न कितना जबरदस्त आ रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा रिटर्न आ रहा है जबरदस्त वाला। ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए सेक्शन लाइन में पूरा रिटर्न आ रहा है, और हमारा कूलिंग जो है एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कूलिंग परफेक्ट तरीके से आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए मॉस्टर जो है पूरा इस पे बन रहा है पाइप पे, इसका मतलब जो है कूलिंग हमारा परफेक्ट तरीके से हो रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी हमारा गैस चार्जिंग जो है वो पूरा हो चुका है, और आपने देखा कि किस तरीके से लीकेज फाइंड आउट किए, फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से हम लोगों ने पेंटिंग किया। और अब हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन को निकाल करके और एसी जो है जिस तरीके से हमने इसमें से निकाला था इस कवर से, उसी कवर में हम लोग डाल देंगे, और डालने के बाद कवर वर लगा करके हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।